अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास कुछ रीस्टॉक हुआ है, जो रॉड्स जो ख़त्म हुए थे फिर से रीस्टॉक हो चुका है। जिन जिन को स्टॉक नहीं मिला था आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें शायद एक मॉडल सैंपल के लिए आया है तो देखते हैं, और बॉक्सेस भी बहुत सारे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलने वाला है बॉक्सेस में। जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, हर जगह से कलेक्शन करना रहता है तो करते ही रहता हूँ। जिन जिन की जो ज़रूरत है वो पूरी करता हूँ। और सबसे पहले हैप्पी रमज़ान आप सब भाइयों के लिए, जो ये रमज़ान शुरुआत हुआ है तो शुरुआत हुआ है। अभी शुरुआत के साथ साथ पूरा महीना फ़िशिंग जाना भी बहुत मुश्किल है, ख़ासकर हमारे भाइयों को, क्योंकि अभी गर्मी का भी मौसम है, रोज़े रहना है और साथों साथ बहुत सारा ये रहता है। तो फिर भी आपको अगर लग रहा है लेना है तो लेके आप लोग रख सकते हैं, और साथों साथ जितना हो सके दुआ कीजिए हमारे लिए खासकर, और हमारे पूरे कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और बाकी रमज़ान में जैसे मैं बताया था, और रमज़ान साथों साथ हमारा भी बहुत सारा टाइमिंग अभी चेंज होता है। जैसे समझ लीजिए दोपहर के टाइम कभी कभार आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं तो समझ जाइए कुछ ना कुछ काम में होंगे, या तो प्रेयर में होंगे तो उसी लिए आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा समझ के थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, खासकर ये एक महीना, एक महीने के लिए खासकर रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए। वैसे तो आधा एक घंटा भी मिल जाएगा तो सबको रिप्लाई मिल जाएगा, फिर भी वो टाइम पे अगर आपको मैसेज किया तो कॉल किए, पिकअप नहीं किया तो रिप्लाई नहीं मिला, थोड़ा वेट कर लीजिए। वो समय आप समझ सकते, सबको पता है वो समय, फिर भी देख लेते हैं जो भी है। और शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा है, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन भी करना है, तो देख लेते हैं जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द मैं वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास आया है। तो ओके बढ़िया, अच्छा फर्स्ट हमारे पास निकला है स्पिनर्स, स्पिनर्स जो एंगलर चॉइस के हैंडमेड स्पिनर्स 25 ग्राम में ख़त्म हुआ था, रीस्टॉक हो चुका है। गोल्ड और सिल्वर बस ये दो ही कलर आते हैं, क्योंकि हैंडमेड है और हैंडमेड प्लस हेवी हुक के साथ है, तो हेवी हुक के साथ है। तो शायद कल वीडियो देखे आप, तो वीडियो देखे कल तो स्पिनर्स पिछले वीडियो में भी बताया था मैं, बहुत फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है ये वाला स्पिनर्स। जैसे ओपन वाटर रहता है वहाँ पे स्पिनर्स बहुत काम करते हैं, जैसे प्रेडिटर फिशेस, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रेडिटर फिशेस जो ल्योर फ्रॉग बेट पे, बेट मीन्स ल्योर बेट, स्पिनर बेट, तो ऐसे बेट होता है, तो इस पर जो भी मछली अटैक करता है सब मछली इस पर अटैक करेगा। तो हुक्स देख सकते हैं, खासकर ये हुक्स हेवी हुक्स है बीके के, खासकर हम लोग बोल के बनवाए हैं, तो ये हुक खासकर बोल के बनवाए ताकि अगर 10 किलो का भी मच्छी लग जाए, हुक स्ट्राइट ना हो या तो बेंड ना हो, कुछ भी ये सब प्रॉब्लम्स आपको ये हुक में नहीं आएगा, स्पेशली बोल के दलवाया गया है। और बाकी और ये वाला जो देखते हैं बहुत सारे स्पिनर्स में, ये पत्ती ये यू टेप में नहीं आता है, बस वो फ्लैट जैसा आता है। वो क्या होता है कभी कभार शॉर्ट होने से वो बेंड हो जाता है या तो कुछ प्रॉब्लम हो के वो एक्शन सही से नहीं आता, लेकिन ये यू टाइप का जो ये आता है इसमें परफेक्ट एक्शन आता है। अगर बड़ा मच्छी भी यहाँ पे हुकअप कर देता है तो वो बेंड होना कुछ चांसेस नहीं, हाँ कट हो सकता है उसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिश का बेट प्रेशर वैसा रहता है, ये इतने हेवी हुक को ही वो पूरा पंच कर देता है या तो सीधा कर देता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी लिए वो भी मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें मिल जाएगा आपको सिल्वर और गोल्ड कलर, ये बस दो ही कलर्स हैं। और लुकाना प्रेडिटर रील को जो बहुत लोग ये मांग रहे थे, बैट कास्टिंग रील का जो लाइन रोलर होता है वहाँ पे ये पार्ट बहुत लोगों का गिर जाता है लूज होके कुछ भी, तो उन लोगों के लिए लुकाना प्रेडिटर, और बाकी रील्स को सूट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन चेक कर लूँगा, मैं चेक करके पर्सनली बता दूँगा उसको सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बाकी ये वाला लाइन रोलर के पास जो पिन आता है तो ये भी बहुत लोगों का ख़राब हुआ था, तो ये मेरे पास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है स्टॉक, तो फिर से रीस्टॉक किया हूँ,
देखेंगे जो भी प्राइस है मैं स्क्रीन पे दूंगा या तो व्हाट्सएप में दे दूंगा, क्योंकि प्राइस इस बार शायद कम हुआ है। पिछले बार जो आया था ज़्यादा था, इस बार कम हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर कम मिला तो आप लोगों को कम में ही दे सकता हूँ, ज़्यादा मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये हो गया, शायद वही होगा उसमें उतना ही जितना मुझे याद है। अगर कुछ मिस भी होता है तो वो दे दूंगा मैं कैटलॉग में, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास निकला है हाँ मस्टर्ड, मस्टर्ड का मोनो लाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्टर्ड का मोनो लाइन है और सब मस्टर्ड ही है, लेकिन साइजेस इसमें 8 LB 30 mm 30 mm यहाँ पे मिला है, यहाँ पे 60 mm मिला है 35 LB और 190 मीटर 660 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो डिफरेंस कितना सारा है, इसमें 190 मीटर दिया है और इसमें 660 मीटर दिया है। तो इसमें साइजेस के हिसाब से मीटर्स है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो 30 mm का लाइन 660 मीटर और ये आता है 60 mm 190 मीटर। तो यहाँ पे इसमें साइजेस ऑलमोस्ट 25 mm यहाँ पे दिख रहा है, तो शायद 18 mm से शायद 18 mm से 60 mm तक है। तो जो भी mm प्लस आपको स्क्रीन पे प्राइस आ जाएगा, शायद पूरे साइजेस का एक ही प्राइस रहेगा, तो मैं चेक कर लूँगा, चेक करके वहाँ स्क्रीन पे दे दूँगा, बाकी कैटलॉग में दे दूँगा। तो पूरे मस्टर्ड लाइन है और ट्रांसपेरेंट कलर आता है, ट्रांसपेरेंट कलर एक ही कलर में है, बाकी कलर्स नहीं है, ट्रांसपेरेंट कलर है। और ब्रांड मस्टर्ड का है, ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है, क्योंकि कॉपी आता है तो सीधे मैं कॉपी बोलता हूँ, जब ओरिजिनल है तभी मैं ओरिजिनल बोलता हूँ। तो मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन प्रोडक्ट फ्रॉम मस्टर्ड नॉर्वे का लाइन है। तो जो भी है देख लेंगे, और बाकी मैं वही बताया ना, अगर कॉपी है तो सीधे कॉपी, ओरिजिनल है ओरिजिनल। तो नेक्स्ट देखते हैं, ओके नेक्स्ट हमारे पास प्योर फिशिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा स्कैनर वगैरह सब दिया है, चेक कर सकते हैं। और अच्छा पेन मेरिनर, तो लाइन फिर से रिस्टॉक हो चुका है। पेन मेरिनर बहुत बेहतरीन लाइन है, पेन ब्रांड का आता है और ये कलर में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कलर में आता है और पेन मेरिनर बहुत बेहतरीन रिव्यूज़ का लाइन है। ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 2 times, ये सेकेंड टाइम है। उससे बहुत साल पहले आता था, लेकिन प्राइस जैसे मैं बताया उस समय प्राइस बहुत ज़्यादा था। जैसे मैं बताता हूँ उस समय मुझे प्राइस ज़्यादा मिला, तो प्राइस मुझे ज़्यादा में देना पड़ा। अभी पूरे डीलर से हमें डायरेक्ट स्टॉक आता है, तो वह प्राइस बहुत कम में मिलता है, तो उसी हिसाब से कम प्राइस में हम आपको दे पा रहे हैं। क्योंकि एक हाथ सिर्फ बदला है वहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ से लिया वो, उससे लिया वो, उससे लिया वो, ये क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ते जाता है। तो हमें पूरा प्रोडक्ट सीधे डीलर से आता है, तो प्राइजेस आप लोगों को परफेक्ट प्राइस और जिनिन प्राइस मैं दे पाऊंगा। तो इसमें भी साइजेस जैसे मैं बताया, शायद 18 mm से 50 या तो 60 या तो 70 mm तक होगा, क्योंकि 18 mm 10 mm के कस्टमर्स इस बीच बहुत ज़्यादा हैं जो वो साइजेस पूछते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये पूरे लाइन्स कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो साइज चाहिए वो मिल सके। और जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं पेन मेरिनर। तो पूरा बॉक्स वही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पेन मेरिनर उसके बाद देख लेते हैं ये क्या है, क्योंकि मुझे ये बॉक्सेस भी थोड़ा ये करना है। ओके हाँ 270 पोल रॉड, तो लुकाना फ्लैश पोल रॉड। तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना फ्लैश पोल रॉड। ओके पूरा वही है स्टॉक। तो लुकाना 210 से लेकर शायद 15 फीट तक भी स्टॉक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
लुकाना पोल रॉड। तो लुकाना पोल रॉड, तो चलिए क्वालिटी देख लेते हैं, बढ़िया है। तो लुकाना पोल रॉड देख सकते हैं, और ख़ासकर ये छोटे मछलियों के लिए है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि इसमें कितना बड़ा मच्छी पकड़ सकते हैं, लेकिन पोल रॉड्स का कैपेसिटी ऐसा नहीं आता है। पहली बार टू पीस रॉड को ही कैपेसिटी नहीं देता है, तो पोल रॉड को कैपेसिटी कैसे देगा। ये खासकर जो शौकीनदार है, जैसे छोटा छोटा मच्छी पकड़ते हैं, तलेपिया, सिंगी, पापदा, तेंगड़ा, जो ये छोटे छोटे आड़मास ये सब पकड़ते हैं, उन लोगों के लिए खासकर ये पोल रॉड्स होते हैं। और आगे में ज़्यादा पेड़ी झाड़ी होती है, थोड़ा लॉन्ग में डाल के सिंगल हुक पे खेलना है, तो उन लोगों के खासकर ये पोल रॉड होता है। हाँ, निकालने वाले पोल रॉड पे 4 किलो का भी मच्छी निकाल चुके हैं, लेकिन वो टेक्निक के हिसाब से निकालते हैं। और इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा ये वाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी पोल रॉड्स में इस तरह का, ये टाइप का अभी तक नहीं आया था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का मेरे पास आया है। तो यहाँ पे आपको बांधने के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आगे में थ्रेड देता है सारे पोल रॉड्स में, तो थ्रेड प्लस नॉट, आप लोग सही नॉट नहीं करते हैं वो शायद वो स्लिप होना भी चांसेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं है। नॉट आप कौन सा भी गांठ डाल के भी आराम से खेल सकते हैं, गांठ बोल रहा हूँ मैं, तो नॉट डाल के भी खेल सकते हैं। तो बाकी पोल रॉड बहुत छोटे मछलियों के लिए होता है, खासकर छोटे मछलियों के लिए, लेकिन मजबूती में आप लोग अपने टेक्निक के हिसाब से देख के कर सकते हैं। तो पूरे पोल रॉड्स हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं जो भी साइजेस है, साइज प्राइस स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ओके, तो ये बॉक्स देखते हैं। अच्छा, कार्बन का टेलीस्कोप रॉड, तो कार्बन का टेलीस्कोप रॉड। अच्छा, इसके नीचे भी बहुत सारा है। अच्छा, बैम्बू पोल रॉड, ओके, बैम्बू पोल रॉड, सॉरी, ठीक है, टेलीस्कोप रॉड कार्बन, तो ये देख सकते हैं कार्बन का टेलीस्कोप रॉड, ये पहले भी आ चुका है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स है खासकर ये रॉड में। और पिछले वीडियो में भी आपको शायद मैं बताया था, जो अनब्रांड लेके आया था मैं, और ऊपर का डिज़ाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, बहुत लोग वीडियो देखे हैं, तो ये वही उसका कॉपी रॉड आया था टेलीस्कोप रॉड में, लेकिन ये लुकाना का ओरिजिनल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन ग्रिपिंग भी दिया है, बहुत बेहतरीन है, और रील सीट का डिज़ाइन भी आप चेक कर सकते हैं, कितना बेहतरीन डिज़ाइन दिया है। और ये खासकर ऊपर से जो रील सीट का थ्रेडिंग आता है, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत जल्द वो स्लिप होना प्लस वो शॉर्ट्स में निकल जाना रील, ऐसे कुछ नहीं होता, ये बहुत बेहतरीन ग्रिपिंग होता है टॉप से जो आता है। तो टेलीस्कोप रॉड, और इसका कवर भी आप देख सकते हैं, बहुत हेवी दिया है, जो गाइड का सेफ्टी करे वो वाला, बहुत हेवी दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइड्स देखिए इसमें क्या फिनिशिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पिछली बार भी मैं बताया था रॉड दिखने में बेहतरीन है, लेकिन गाइड्स उतने अच्छे नहीं है, मतलब ये रॉड का नहीं बता रहा हूँ मैं, जो कॉपी आया था कॉपी रॉड का, मैं जैसे ही गाइड्स देख लिया तो उसी हिसाब से मैं जैसे बोलता हूँ, कोई भी नया प्रोडक्ट आए मैं यहाँ पे जो देखता सीधे बोलता हूँ, तो उसी लिए वो उस समय में बताया था गाइड्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और बाकी रॉड देखने में तो बहुत अच्छा था, और ये देख सकते हैं गाइड का फिनिशिंग, तो ये होता है फिनिशिंग प्लस उससे थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा होने की वजह है, क्योंकि फिनिशिंग के हिसाब से वो प्राइजेस भी होते हैं, प्लस क्वालिटी वाइज भी प्राइस होता है, ब्रांडिंग वाइज भी प्राइस होता है। और बाकी ये आगे का टिप बहुत लोग पूछते हैं, खासकर ये वाला आगे का टिप पूरा सॉलिड आता है, तो ये बहुत लोग पसंद करते हैं, आगे में सॉलिड पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है, हॉलो बहुत जल्द टूट जाता है टेलीस्कोप रॉड्स में, तो अगर ये आगे का सॉलिड रहता है तो ये थोड़ा लाइफ आ जाता है। और बाकी सब पीछे का सेक्शंस जो है हॉलो है, और आगे का सिर्फ ये सॉलिड आता है, फुल सॉलिड, प्लस कार्बन रॉड है, कार्बन रॉड मीन्स आप समझ सकते हैं बहुत मजबूत ही रहता है।
तो लुकाना का टेलीस्कोप रिस्टॉक हो चुका है, कल से आप लोग बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद बैम्बू पोल रॉड, बैम्बू पोल रॉड मेरे पास अभी सिर्फ एक ही साइज में बचा था 20 फीट में, लेकिन फिर से रिस्टॉक हो चुका है बैम्बू पोल रॉड, तो ये भी आप कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेम वही है जो स्टार्टिंग में मैं पोल रॉड बताया था वो वाला, लेकिन देखिए ये वो जो बताया था मैं, ये वाला आता है थ्रेड वाला जो नॉट करना पड़ता है आपको, लेकिन वो जो मैं बताया था उसे नॉट होल दिया गया, बहुत इजी नॉट हो जाएगा। और बाकी ये भी आगे का जो होता है ये भी सॉलिड ही आता है, खासकर पोल रॉड्स में, पोल रॉड्स में, टेलीस्कोप रॉड्स में। जब से सब लोग टेलीस्कोप रॉड में सॉलिड टिप पसंद किए तब से वो हॉलो का टिप्स बंद हुआ है, तो सबसे अच्छी बात है। जैसा पब्लिक रिक्वायरमेंट उसी तरह प्रोडक्ट भी आता है तो सही रहता है, तो अच्छी बात है। वो सब बंद हो गया, अभी सॉलिड फाइबर, सॉलिड फुल सॉलिड के टिप्स ही पूरे ऐसे पोल रॉड टेलीस्कोप रॉड्स में सब आ रहे हैं, तो अच्छा है। जैसे बोलते हैं जो चलता है वही चलाना है, क्योंकि वो थोड़ा लाइफ आता है हॉलो का, बहुत जल्द टूट जाता है। तो पोल रॉड सब पोल रॉड ही हैं, बैम्बू पूरे बैम्बू के वही हैं। तो अगर भाई मिस्टेक, ये एक रॉड था जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मतलब वो एक रॉड में 3-4 ये थे मीन्स साइजेस, तो शायद वो मिला नहीं या तो दूसरे बॉक्सेस में होगा, तो देख लेते हैं जो भी है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद अच्छा ओके फ्रॉक्स, फ्रॉक्स जैसे मैं बताया था वीडियो में बताया था कि सम फ्रॉक कॉपी, जैसे सम फ्रॉक कॉपी अभी समझ लीजिए, सम फ्रॉक कॉपी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये फ्रॉक का साइज़ आता है, मैं बताता हूँ साइज़ क्या है। यहाँ पे साइज़ वगैरह नहीं दिया है, फिर भी जो भी साइज़ है वेट है मैं चेक करके कैटलॉग में दे दूँगा, और बाकी प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सम फ्रॉक कॉपी फर्स्ट टाइम आया है और अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च भी हुआ है, लेकिन लॉन्च होके तकरीबन 1 महीना हो गया, लेकिन मैं इसके रिजल्ट्स रिव्यूज़ सब चेक कर रहा था कि कैसे रिव्यूज़ है, रिजल्ट कैसा है, फ्रॉक पानी में डूब रहा है या तो अच्छे से एक्शन आ रहा है, ये सब मैं वेटिंग किया टेस्टिंग के लिए। और फाइनली कल शायद आज वीडियो हुआ था हमारा फ़िशिंग का, तो उसमें रमेश अणा जो हमारे साथ फ़िशिंग किए उन्होंने लाइव रिजल्ट बताया और फ्रॉक का एक्शन बताया, तो एक्शन देखा हमें बहुत पसंद आया, तो चलिए बढ़िया है। ये कम प्राइस में अच्छा फ्रॉग आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सम फ्रॉग तो यहाँ पे मैं ओपन करके बताता हूँ, और ये ब्रांड आता है मुरिजो ब्रांड का आता है। अभी सम फ्रॉग आता है 900 रुपये में, 900 रुपया तकरीबन समझ लीजिए कोरियर मिला के 1000 रुपीज़ सिर्फ एक फ्रॉक का हो जाता है, 1000 रुपीज़ एक फ्रॉक का हो जाता है, लेकिन क्या करें वो क्वालिटी वाइज वो सही है वो जगह में, और उसका हुक खाई की क्वालिटी है वो भी सही है वो जगह में, लेकिन हमारे इंडियन एंग्लर्स के लिए 900 रुपया 1000 रुपये का फ्रॉग बहुत मायने रखता है, मुझे खुद रखता है, मैं खुद उतने एक्सपेंसिव फ्रॉग्स यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कास्ट करता हूँ जहाँ पे कोई कास्ट ना करे उस तरह का स्पॉट्स ढूंढता हूँ, जैसे झाड़ हो, पेड़ हो, कहीं भी, क्योंकि टारगेट हमारा पूरा होना है तो वहाँ पे ही होता है। अगर मैं फ्रॉग का सेफ्टी करूँगा तो वो टारगेट पूरा नहीं कर पाऊँगा, ओपन लैंड में मैं जितना भी 100 कास्ट कर लूँ ओपन वाटर में मारना मुश्किल है, वहाँ पेड़ के नीचे मुझे पता है वहाँ पे मच्छी खेल रहा है, तो मैं वहाँ पे करूँगा ही तो मेरा रिजल्ट प्लस मेरा टारगेट पूरा होगा। अभी 900-1000 रुपये का फ्रॉग लूँगा, थोड़ा रॉन्ग कास्ट भी कर दिया मैं, रॉन्ग कास्ट जाके झाड़ में लग गया, कहीं भी लग गया तो एक कास्टिंग में जाता है, तो उसीलिए जैसे मैं बताता हूँ 1000 रुपीज़ बहुत मायने रखता है एक फ्रॉक के लिए। बढ़िया है, कॉपी आया है, कम दाम में है, समझ लीजिए 5 फ्रॉक आपको आ जाएगा, प्राइस कंफर्म नहीं है उसीलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो प्राइस जो भी स्क्रीन पर आएगा देख लीजिए, तो एक फ्रॉक की जगह 5 फ्रॉक आ जाएगा, 4 फ्रॉक भी अगर चला गया एक फ्रॉग आपका पूरा टारगेट करके देगा और पैसा वसूल करके देगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो उतने हाई क्वालिटी पे भी नहीं मत जाइए, लेकिन रबर क्वालिटी जैसे मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं रबर क्वालिटी बेहतरीन है, बस ये आई जो है
देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आई, तो ये निकल रहा है, तो इसे थोड़ा गम डाल लीजिए, गम मीन्स फेविक्विक डाल लीजिए। फेविक्विक डालने के बाद वहाँ पे स्लाइडली कुछ पाउडर डाल दीजिए जो टाइट से उसको पकड़ ले। तो ये एक पॉइंट है इसका, क्योंकि पेस्टेड आया है उसी लिए बता रहा हूँ। और सेकेंड जो है ये फीचे वाला लेड, इसको भी आप थोड़ा सा सेफ्टी कर लीजिए ये लेड को, बस वो थोड़ा सा फेविक्विक आटा या तो सैंड कुछ भी डाल लीजिए, वो टाइटली पकड़ लेगा। और उसके बाद टेल देखते हैं। हाँ टेल, टेल भी नॉट नहीं किया गया है, तो टेल भी नॉट नहीं किया है। तो चलो मैं बताता हूँ टेल का सेफ्टी कैसा करें। तो टेल का सेफ्टी बहुत आसान है, तो बस ये नॉट कर लिए, ओके, बस ये नॉट कर लिए, नॉट कर लीजिए यहाँ पे। तो मेजरमेंट आप देख लीजिए आपके हिसाब से, मैं ऐसे ही अर्जेंटली करके बता रहा हूँ। तो नॉट कर लिए यहाँ पे, ओके, तो ये नॉट हो गया, एक दो उसमें टूटेगा जान दीजिए। तो ये नॉट यहाँ पे, इसको हल्के से ये भी कर सकते हैं या तो कुछ ऑयल डाल के कर सकते हैं। तो ये नॉट आ गया अंदर, तो ये देख सकते हैं अभी ये टेल भी सेफ्टी हो गया। सिर्फ ये एक नॉट के वजह से आपका टेल सेफ्टी हो जाता है। अगर वो नॉट नहीं डालेंगे, जब भी फिश हुक अप करता है बाई मिस्टेक्सली यहाँ पे पकड़ लेता है, तो पूरा टेल चला जाता है। बहुत लोग टेल के साथ बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग टेल निकाल के खेलते हैं, उन उनका चॉइस है, लेकिन सेफ्टी बोल के देना मेरा काम है। तो ये सेफ्टी है, बस ये टेल सेफ्टी करना है, यहाँ पे सेफ्टी करना है, प्लस आई सेफ्टी करना है। बाकी जो भी है मच्छी देख लेगा, फाड़ना रखना कुछ भी, वो मच्छी के दांतों से वो है। और बाकी फ्रॉग सॉफ्ट में बहुत अच्छा है, हुक्स भी बहुत हेवी है, और सॉफ्ट में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉफ्ट में बहुत बेहतरीन है। तो चलिए फ्रॉग्स का पूरा क्लियर बताया हूँ ये फ्रॉग का। और बाकी क्योंकि मैं ये जैसे बताता हूँ, जो भी फर्स्ट आता है थोड़ा मैं चेक करता हूँ, बाद में जो रेगुलर होते रहता आते रहता है तो उसे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो फ्रॉग में ये कलर, और मैं अभी कलर्स बताऊँगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सके, क्योंकि कैटलॉग में अपलोड होने तक थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक आता है ग्रीन कलर, और एक आता है डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, और एक आता है लेमन येलो, और साइड का डिज़ाइन भी देख सकते हैं। आपको पूरे क्लियर फोटोज जैसे आगे पीछे साइड और बैक फ्रंट पूरे फोटोज आ जाएंगे कैटलॉग में, क्योंकि वहां पे क्लियरली पूरा अपलोड होगा। तो ये देख सकते हैं ब्लैक कलर, और प्राइस के हिसाब से रबर क्वालिटी बहुत अच्छा बोल सकता हूं मैं इसका, बहुत अच्छा रबर क्वालिटी है। तो ऑलमोस्ट पूरे वही कलर है, तो इसमें देखते हैं, ओके, हाँ यहाँ पे कलर्स है, तो ये देख सकते हैं पॉइजन कलर ब्लैक कलर में। और शायद टॉप में जो कलर है, टॉप में डिज़ाइन दिया गया है, बाकी नीचे का जो मेन पोर्शन है सब ब्लैक में ही आता है, क्योंकि टॉप का डिज़ाइन कुछ मायने नहीं रखता है क्योंकि वो टॉप में होता है। तो मेन जो है नीचे का पोर्शन ब्लैक, तो ये मेन है, क्योंकि ये कलर्स मांगते हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों को वो कलर नहीं मिला तो बेफिक्र ब्लैक कलर का आप ले सकते हैं, जो नीचे पूरा ब्लैक ही आता है। लेकिन बहुत लोग वो डिज़ाइन भी पसंद करते हैं, और एक मन में रहता है कि वो फ्रॉक सही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं समझाता हूँ, टॉप में कलर होता है, नीचे कौन से भी फ्रॉक को डिज़ाइन नहीं होता। दुश्मन फ्रॉक है वो पूरा रबरी कलर ही आता है, तो उसी हिसाब से थोड़े फ्रॉक्स पूरे कलर्स मिक्स आते हैं, या तो ब्लैक आते हैं, या तो अगर वो फ्रॉक वाइट है तो वाइट ही आता है। तो ऐसे थोड़े फ्रॉक्स, बाकी फ्रॉक्स जो है टॉप में डिज़ाइन बहुत सारे फ्रॉक्स में दिया जाता है। और ये वाला आता है रेड कलर में, तो रेड कलर में देख सकते हैं ऊपर ब्लैक डिज़ाइन है लेकिन नीचे पूरा रेड आता है। तो ये हो गया, और ऑलमोस्ट वही कलर्स हैं, तो सब वही है, ऑलमोस्ट एक आठ कलर आए हैं स्टॉक में। तो छोड़ते हैं, फ्रॉक्स हो गया, उसके बाद ओके, हाँ पेन सुपर,
तो पेन सुपर फिर से रिस्टॉक हो चुका है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पेन सुपर ये भी मोनो लाइन है, मोनो फिलामेंट है, ब्राइडेड लाइन नहीं है। शायद उसके नीचे का बॉक्स भी पूरा वही लाइन है, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस भी सही से नहीं मिल रहा है और टाइम भी शायद बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेन सुपर मोनो लाइन है, और इसमें भी आपको साइजेस तकरीबन मुझे हाथ लगाए 26 mm, शायद इससे कम साइजेस होंगे, तो देख लेता हूँ। जो भी साइजेस है वो पूरा मैं कैटलॉग में दे दूंगा क्लियरली, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और पेन सुपर जैसे प्राइस, इसमें शायद प्राइस साइज के हिसाब से डिफरेंट प्राइस है, जैसे पिछली बार मैं देखा था उस हिसाब से याद से बता रहा हूँ। और जो भी मीटर है मीन्स 300 मीटर, तो देख लेता हूँ इसमें मीटर चेंज है या तो सब एक ही मीटर है, जो भी है कैटलॉग में दे दूंगा। और एक बेहतरीन लाइन है जो अच्छे ब्रांड्स का लाइन देख रहे हैं, ब्रांड तो ब्रांड्स में आप ये लोग ये ले सकते हैं, क्योंकि अनब्रांड जैसे मैं बताता हूँ कम प्राइस में भी लेके आता हूँ, ब्रांड भी लेके आता हूँ। जो ब्रांड लवर्स हैं उनके लिए ब्रांड, जो अनब्रांड लवर्स हैं जो बजट में एक अच्छा देख रहे हैं तो उनके लिए भी। तो पूरे लाइन्स ही हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो इसे यहीं पे छोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास रॉड्स कमाडो रीस्टॉक हो चुका है, 8 फीट 9 फीट, तो ये आप कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेरे पास एक 8 फीट का एक ही एक रॉड बचा था, तो फिर से रीस्टॉक हो चुका है। जो जिन जिन को 9 फीट स्टॉक नहीं मिला आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमाडो एक बेहतरीन रॉड है जो सॉल्ट वाटर एंग्लर्स है खासकर उनके लिए बहुत बेहतरीन है। सॉल्ट वाटर बोल के नहीं, फ्रेश वाटर भी कर सकते हैं, लेकिन रॉड बनाया गया है सॉल्ट वाटर के लिए खासकर, क्योंकि आप गाइड्स भी देख सकते हैं, के गाइड्स कोटेड आते हैं, कोटेड गाइड्स आते हैं, और टिप बहुत हेवी है इसका, क्योंकि खासकर इसका कार्बन चेक कर सकते हैं कितना हेवी गेज में दिया गया है, तो हेवी गेज में दिया है। और इसका टिप भी बहुत फ्लेक्सिबल मींस मीडियम हैवी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत स्मूथ जैसा है, फास्ट एक्शन, मीडियम फास्ट बोलते हैं, मीडियम एक्शन बोलते हैं, उस तरह का है। और गाइड्स के गाइड्स हैं, बहुत बेहतरीन है। और एक ब्रिंजॉल कलर जैसा आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं के गाइड्स, ब्रिंजॉल कलर आता है के गाइड्स, और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे जो ल्योर लगा के जाने के लिए सेफ्टी के लिए, तो बहुत बेहतरीन रॉड है लुकाना कमाडो, एक अच्छे रिव्यूज़ का रॉड है, और ख़ासकर जो सॉफ्ट बाइट्स खेलते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। सॉफ्ट बाइट्स जो शोर फिशिंग से जिग चलाते हैं उनके लिए, क्योंकि टिप के एक्शन के वजह से बहुत बेहतरीन रॉड है ये वाला। और बाकी जो फ्रॉक्स वाले आप लोग भी इसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है और ज़्यादा हेवी भी नहीं है, क्योंकि इसका एक्शन आता है मीडियम हेवी एक्शन आता है। और कॉस्टिंग वेट दिया है 20 टू 200 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है। तो चलिए मैं ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइन रेटिंग है 20 टू 45 LB, तो 20 टू 200 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है, शायद रॉड के डिज़ाइन किए उस हिसाब से चेक करके शायद कुछ दिया है, लेकिन 200 ग्राम शायद कॉस्ट करेंगे तो इसमें सही वो बैलेंसिंग नहीं मिलेगा, सही टारगेट जो हम माइंड में रख के कॉस्ट करते हैं स्पॉट, वो स्पॉट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल की वजह से मीडियम हैवी दिया है और रॉड का टिप फ्लेक्सिबल है। तो मैं शुरुआत में बताया जिग, सॉफ्ट बाइट्स और फ्रॉग फिशिंग के लिए, स्पिनर स्पून वगैरह कुछ भी उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और बाकी कार्प फिशिंग एंग्लर्स 200 ग्राम कास्टिंग वेट देख लिए, समझकर ये रॉड आप ले लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, शायद 200 ग्राम कास्टिंग करेगा, लेकिन हमारा जो कास्टिंग डिस्टेंस प्लस टारगेट और ये बैलेंसिंग नहीं मिलता है। 200 ग्राम कास्टिंग वेट डालते हैं तो 200 ग्राम को पूरा टिप ऐसे हो जाएगा, पूरा टिप ऐसे हो जाता है, तो ऐसे होने से कास्टिंग क्या होता है, वो जो हम ऐसे करके कास्ट करते हैं तब वो परफेक्टली आपका टारगेट नहीं जाएगा, इधर उधर कहीं भी जाके पड़ जाता है या तो वहीं पे पड़ जाता है, ऐसे होता है। तो आप लोगों के लिए ये रॉड सही नहीं है, खासकर फीडर फिशिंग वालों के लिए।
और जो हैवी कॉस्टिंग वेट देखकर रॉड खरीदते हैं उनके लिए ये रॉड सही नहीं है। और बाकी मैं जो बताया ल्योर्स के लिए 100 ग्राम तक आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं, लेकिन रिव्यूज में नंबर वन रॉड है। तो 8 फिट और लुकाना कमाडो 9 फिट, तो ये भी सेम है डिट्टो जो रॉड अभी तक मैं एक्सप्लेन किया। और कॉस्टिंग वेट देख लेता हूँ इसमें, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 30 to 200 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया, कॉस्टिंग वेट सेम है ऑलमोस्ट, तो हाँ 30 to 200 ग्राम, उसमें भी उतना ही है इसमें भी उतना ही है। जस्ट बस मैं जैसे बताया वो हिसाब से देख के आप लोग लीजिए जो आप लोगों को सही लगे। तो ये हो गया, क्योंकि कॉस्टिंग वेट बहुत लोग देखते हैं, कॉस्टिंग वेट, लाइन रेटिंग, ये सब देख के बहुत लोग खरीदते हैं। जो नहीं देखते हैं, जो जिनको पता नहीं है, उन लोगों को मैं खासकर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों के लिए सही है या नहीं है, बस इतना ही। और उसके बाद ये क्रॉड आया है सैंपल, बस सैंपल के लिए आया है, देखते हैं कोई पसंद करता है क्या। अगर पसंद आ गया आप लोगों को तो ज़रूर से रीस्टॉक करूँगा। सिर्फ एक ही पीस है जो सिंगल पीस में बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन अबू ग्रासिया सिल्वर मैक्स, अच्छा सिल्वर मैक्स, तो अबू ग्रासिया सिल्वर मैक्स। और बहुत बहुत पहले आया था ये सब स्टॉक मेरे पास, लेकिन स्टॉक वहाँ पे नहीं मिला, फिर से रीस्टॉक हुआ, लेकिन उतना क्या बोलते हैं डीपली, उतना स्पीड मूविंग कुछ ऐसा नहीं था। फिर भी देखता हूँ आप लोगों का रिव्यूज़ नहीं, आप लोगों का रिक्वायरमेंट अगर आ गया तो मैं इसको रीस्टॉक करूँगा। क्योंकि ये आता है सिंगल पीस रॉड, टू पीस नहीं है, बट जॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल पीस रॉड आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ख़ासकर ये बाइट कास्टिंग लवर्स के लिए, तो सिंगल पीस में अगर कोई भी लेना चाह रहे, अगर यहाँ पे आके स्टोर पे ले लिए, समझ लीजिए पैसा वसूल प्रोडक्ट है। अगर कोरियर करवाए तो बहुत महंगा पड़ने वाला है कोरियर, तो चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, बाद में निकाल लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिगर देख सकते हैं, और अबू ग्रासिया सिल्वर मैक्स, और 6.6 फीट में आता है, 6.6 फीट। और बाकी यहाँ पे ब्रांड चेक कर सकते हैं, और पूरा कार्बन रॉड है, कार्बन प्लस 24 टन ग्राफाइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 टन ग्राफाइट का रॉड आता है। तो 24 टन ग्राफाइट का रॉड्स खासकर बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि एक लेयर्स होते हैं, जो लेयर्स 24 लेयर्स मीन्स शीट में एक रॉड बनता है एक शीट से, तो वैसे 24 शीट्स बिठा कर उसको प्रेसिंग करके एक लेयर बनाया जाता है 24 टन ग्राफाइट। तो 24 टन ग्राफाइट्स के रॉड बहुत मजबूत होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन। और बाकी 6.6 फीट आता है, और कॉस्टिंग वेट वोज में दिया है, तो वोज में चक करके नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही रॉड है, तो ये रॉड मेरे वीडियोस के लिए काफ़ी नहीं है, शायद अपलोड नहीं होगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो देख के ले सकते हैं। 8 LB से 15 LB लाइन रेटिंग दिया है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कॉस्टिंग वेट, तो ये वोज में दिया है, आप थोड़ा देख लीजिए, मुझे वोज में पता नहीं है, होता तो मैं ज़रूर यही पे बताता, तो वोज में पता नहीं है तभी जाके मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। तो 6.6 फीट पूरा रॉड एक ही सेक्शन में आता है 6.6 फीट, लेकिन समझ सकते हैं अगर मैं 2 इंच का पाइप भी डालूंगा, पूरा एक आधा लेंथ पाइप इसको डालना पड़ेगा, तो उस हिसाब से चार्जेस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन बहुत बेहतरीन रॉड है, हेवी रॉड है। तो ये हो गया, और उसके बाद रेनो एक्स फिर से रीस्टॉक हो चुका है, देख सकते हैं लुकाना रेनो एक्स, एक बहुत हेवी रॉड है, हेवी मीन्स जैसे मैं बताया इसका टिप बहुत हेवी आता है, जैसे फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, जो हार्ड टिप देखते हैं उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी खासकर सॉल्ट वाटर सीरीज है, सॉल्ट वाटर के लिए खासकर ये रॉड बनाया गया है। तो लुकाना रेनो एक बहुत अच्छे हेवी ग्रिपिंग के साथ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स रैप बहुत हेवी स्पॉन्ज दिया गया है, और बहुत हेवी ग्रिपिंग है, ग्रिपिंग में भी बहुत है, बेहतरीन है। और यहाँ पे जो ये फीचे दिया है ई वे फॉर्म,
ईवाई फार्म खासकर बिग टारगेट जो बिग गेम करते हैं, कभी भी हम बिग गेम में रॉड यहाँ पे रखते हैं, कोई कोई बेल्ट यूज़ करते हैं, कोई बेल्ट यूज़ नहीं करते हैं। अगर बेल्ट भी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन ग्रिपिंग रहेगा। तो लुकाना रेनो, तो रॉड देख लेता हूँ मैं पहले, बहुत बार आया है फिर भी वो क्या है, हर बार मुझे बताना है, मैं भी खुद भूल जाता हूँ। रेनो 2X के गाइड्स का रॉड आता है, के गाइड्स, पूजी गाइड्स नहीं है, के गाइड्स है। और एक्स कार्बन टेक्नोलॉजी है जो इसमें कार्बन यूज़ किया गया है। और RX27 9 फीट का रॉड आता है, ल्योर वेट है 80 ग्राम टू 180 ग्राम, सीधे 80 ग्राम से 180 ग्राम तक कॉस्टिंग वेट दिया है। और लाइन रेटिंग है 30 टू 50 LB, 50 LB लाइन रेटिंग दिया है, तो ऑलमोस्ट बिग गेम टारगेट के लिए बहुत बेहतरीन है। और एक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, तो एक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत हेवी है, बहुत हेवी है, मीन्स मीडियम हैवी, मीडियम हैवी उतना फ्लेक्सिबल दिया है। खासकर बहुत सारे रॉड मीडियम हैवी में ये टाइप के आते हैं, तो शायद ये एक्सट्रीम हैवी हो सकता है, उतना मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं टिप, जैसे मैं उसको किया इसको नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये हेवी टिप है, और ख़ासकर जो हेवी शॉट्स मारते हैं उनके लिए बेहतरीन है, और फीडर्स के लिए आप लोगों के लिए ये रॉड बहुत बेहतरीन है। क्योंकि मैं उसको मना किया था, 200 ग्राम कास्टिंग वेट है, लेकिन ये 180 ग्राम कास्टिंग वेट है, ये टिप के वजह से मैं उसको वो रॉड को मना किया था, वो फ्लेक्सिबल के वजह से। लेकिन ये टिप कास्टिंग वेट कम दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए रॉड चल जाएगा क्योंकि ये हार्ड टिप के वजह से ये परफेक्टली आपका टारगेट पूरा करेगा। और हार्ड टिप नहीं है, सॉरी वो हार्ड टिप नहीं है, ये हार्ड टिप आता है, तो उस हिसाब से आप लोग इसको ले सकते हैं। और बाकी जिग स्पून्स ये वो सब बोला था, इस पर नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे सीधे 80 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है। जो हेवी है ल्योर्स यूज़ करते हैं उनके लिए, या तो हेवी बाइट वालों के लिए, या तो फीडर फिशिंग वालों के लिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन रॉड है ये वाला। और बाकी एक्शन मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कहीं मिल गया तो ज़रूर मैं मेंशन किया होऊंगा, शायद ऑलरेडी कैटलॉग में अपलोड है वो, तो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद एक रॉड आता है उजो तांडव, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत पहले आया था, और इस बार मुझे स्टॉक सिर्फ 9 फीट स्टॉक मिला, बाकी साइजेस स्टॉक नहीं मिला, सिर्फ 9 फीट में अवेलेबल है। लेकिन कैटलॉग में डिटेल वगैरह सब बहुत सारे पूरे रॉड्स का दिया गया है, मीन्स 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, लेकिन स्टॉक मुझे एक ही साइज़ में मिला है, तो वहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 9 फीट अवेलेबल, बाकी सब स्टॉक आउट है। क्योंकि मुझे बार बार वो स्टॉक आते रहता है, एडिट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसी लिए। तो उजो तांडव ये भी एक बेहतरीन रॉड है सॉल्ट वाटर एंग्लर्स के लिए, खासकर सॉल्ट वाटर एंग्लर्स के लिए, इसके आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। बस ये टाइप कीजिए यूट्यूब पे, और रिव्यूज़ ये टाइप करने के बाद रिव्यूज़ टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे एंग्लर्स इस पे वीडियोस बनाए हैं, और तकरीबन 20 किलो तक का फिश भी इस पे लैंड करके वीडियोस बनाए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अंडमान एंग्लर्स हमारे रतनगिरी के और मुंबई के, और हमारे शायद कर्नाटका के बहुत कम यूज़ किए हैं इसको, लेकिन खासकर सॉल्ट वाटर एंग्लर्स बहुत सारे इसको यूज़ कर सकते हैं, और मालवन के तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे क्योंकि रेगुलर ये रॉड वहाँ पे चलते ही रहता है। और हर किसी के वो बोलते हैं, हर किसी के मुंह में तांडव, उजो तांडव मीन्स बहुत फेमस रॉड है वहाँ का। तो उजो तांडव ये भी जैसे मैं बताया एक्स रैप का आता है, और जितना हो सके इसको हीट करके कवर को उसको वही छोड़ दीजिए, ये और भी आपको लाइफ आएगा। जो है जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में बताता हूँ, गंदा होना या तो कुछ काट के उसको वो ख़राब करना ये सब नहीं होगा, बस इतना सा कवर काट लीजिए, ये निकाल लीजिए, हमें इतना ही काम है। बाकी यहाँ पे एक श्राप के ऊपर कवर रहता है तो वो और भी थोड़ा लाइफ आता है, थोड़ा हीट कर लीजिए वो और टाइट पकड़ लेगा। और उजो तांडव ल्योर कैपेसिटी है 20 टू 90 ग्राम कास्ट ल्योर वेट है, और लाइन रेटिंग पी में दिया है, तो पी मीन्स ये मुझे चेक करके कैटलॉग में देना पड़ेगा। और बाकी सुपर टेक्नोलॉजी कार्बन मटेरियल है, कार्बन का रॉड आता है, बाकी जैसा नहीं है। और 9 फीट डिज़ाइन बाय उजो है, उजो मीन्स गोवा में डीलर है, और एक मुंबई में है, आप चेक कर सकते हैं,
उजो तांडव के डीलर का। और एक्शन, एक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, जैसे मैं बताया रॉड का टिप देख के मैं बताता हूँ। तो ये भी देख सकते हैं मीडियम में भी, ऑलमोस्ट मीडियम में भी, उतना ज़्यादा हार्ड टिप भी नहीं है, उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन है ल्यूअर्स के लिए। और जो 100 ग्राम 80 ग्राम के जिग्स चलाते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है, प्लस श्योर फिशिंग के लिए, सॉफ्ट बाइट के लिए भी बहुत बेहतरीन है। क्योंकि ऑलमोस्ट सॉफ्ट बाइट जिगेड वेट सब मिला के 30 ग्राम आ जाता है, 30 ग्राम मैक्स, जैसे ही बता रहा हूँ मैं, यूज़ करने वाले इतना करते हैं मैक्स, और बाकी 40-50 ग्राम भी यूज़ करने वाले हैं वो टारगेट के ऊपर जाता है। और बाकी उजो तांडव सिर्फ 9 फीट में अवेलेबल है, जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, और पूरा डिटेल रॉड का कैटलॉग डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन रॉड है, बहुत बेहतरीन, तो आप लोग कल देख के बुक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है खासकर हमारे लाइट वेट एंग्लर्स जो बहुत बहुत पसंद करते हैं लाइट वेट में, एक अच्छा रॉड भी चाहिए, लाइट वेट में भी चाहिए, और बड़े फिशर्स भी निकालना है ये भी देखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये रॉड है। ये तो मशहूर है, मशहूर मीन्स आप लोग गूगल में टाइप करो, यूट्यूब पे टाइप करो, आपको इसके तो 100-100 वीडियोस आ जाएंगे, क्योंकि मिचेल फ्लोड मीन्स बहुत फेमस रॉड है। तो मिचेल फ्लोड लाइट वेट में एक बेहतरीन रॉड है जो फूजी गाइड के साथ आता है। तो ये देख सकते हैं मिचेल फ्लोड फूजी गाइड के साथ, प्लस कॉर्क हैंडल, ये कॉर्क हैंडल है, मीन्स कॉर्क डिज़ाइन है, जैसे मैं बताता हूँ फॉर्म कॉर्क आता है जो डिज़ाइन करके डालते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं किया गया है, ओरिजिनल कॉर्क है, ओरिजिनल कॉर्क से ये रॉड डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये कलर चाहिए तो डार्क कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो ख़राब होना, टूटना, फटना, या तो बहुत सालों के बाद निकलना, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉर्क है, उसीलिए मैं थोड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। और मिचेल फ्लोड फूजी रील सीट के साथ आता है, मिचेल फ्लोड फूजी रील सीट के साथ, और यहाँ पे दिया गया है स्पिनिंग स्पिनिंग दिया गया है, और बाकी यहाँ पे डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मिचेल फ्लोड, और कार्बन का रॉड आता है, प्लस फूजी गाइड के साथ आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ल्योर वेट वगैरह। तो मैट फिनिशिंग का रॉड है, और पहले रॉड देख कर स्पेसिफिकेशन देख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। और फ्लोड 9 फीट का रॉड है, मीडियम हैवी टिप दिया गया है, मीडियम हैवी, और कॉस्टिंग वेट है 90-120 ग्राम, सीधे 90-120 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है। अभी 90-120 ग्राम कॉस्टिंग वेट दे दिया, मैं 10-20 ग्राम चला सकता हूँ क्या, या तो चल नहीं पाएगा क्या, ऐसे कुछ भी नहीं है। 90-120 ग्राम कंपनी से दिया है, आप 10 ग्राम से भी चला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बस जैसे मैं बताता हूँ कॉस्टिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि कॉस्टिंग वेट हैवी है, तब ऐसे रॉड्स कॉस्टिंग डिस्टेंस बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि हैवी टिप के वजह से फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, तो उस वजह से। और बाकी लाइन रेटिंग दिया गया है 12-20 LB लाइन रेटिंग है ये रॉड का, और 100% प्योर कार्बन रॉड है, बेफिक्र आप लोग ये रॉड खरीद सकते हैं। और फूजी गाइड्स के साथ आता है, फूजी गाइड आता है, नॉर्मल के गाइड नहीं है। तो फूजी गाइड के साथ एक बेहतरीन रॉड है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एक्शन मीडियम हैवी दिया है, तो यहाँ पे टिप, तो ऑलमोस्ट जैसे मैं बताया 10 ग्राम से भी आप लोग इस पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबल देख सकते हैं, मीडियम हैवी वो भी दिया है, लेकिन टिप बहुत हार्ड है। तो देखिए मीडियम हैवी में यहाँ पे 3 ऑप्शंस रॉड्स के टिप दिख गए हमें, एक जो है फुल फास्ट फुल फ्री है, मींस फुल फ्लेक्सिबल है, मीडियम हैवी कंपनी से दिया है, और उसके बाद जो देखें रेनो वो भी मीडियम हैवी है, लेकिन वो हैवी टिप है, जैसे मीडियम एक्सट्रीम हैवी एक्शन देता है उस तरह दिया है। और उजो तांडव में भी ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का फ्लेक्सिबल है, मींस शायद वो भी मीडियम हैवी होगा, लेकिन ऐसे ही मैं बताता हूँ ना, कंपनी कॉस्टिंग वेट प्लस कंपनी का एक्शन के हिसाब से, तो ये सब बहुत लोग देखते हैं, तो उस हिसाब से बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और जो आप लोग चॉइस किए रहते हैं, जो आपके मन में रहता है ऐसा टिप या तो ऐसा रॉड कुछ भी ऐसा रहता है,
ये आपको सही से नहीं मिलता है तो थोड़ा आपका मूड ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितना हो सके थोड़ा टाइम ले लेता हूँ आप लोगों से पूछकर, टाइम लेकर थोड़ा वीडियो में पूरा क्लियर बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको लेने में बहुत आसान हो जाए, ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ होकर पैसा वेस्ट ना करें। बस मेरा इतना ही ये है, इतना समय लेता हूँ मैं बताने के लिए, क्योंकि रिसेंटली कल एक कमेंट आया था, हाँ रिसेंटली पीछे के वीडियो तो बहुत अच्छा है, जानकारी भी अच्छी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्या करें। हमारे इंडियन एंग्लर्स के लिए खासकर मुझे ऐसे ही टाइम लेके समझाना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे ही सिर्फ फ्रॉड आ गया ऐसे ही बता के दे दूंगा तो बहुत लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि एक एक लोगों का एक एक माइंड होता है, या तो उनको पता नहीं रहता है। मैं सोचता हूँ शायद मैं यहाँ पर क्लियरली ऐसे बताऊँगा, थोड़े लोग समझ जाएंगे, समझ कर देख के रॉड्स लेंगे। तो इतनी ही मेरी कोशिश है बताने के लिए, बाकी आप कौन सा भी रॉड ले लीजिए मुझे उससे नो प्रॉब्लम, क्योंकि रॉड्स तो मुझे पता है, हर कोई का एक चॉइस, हर किसी का एक चॉइस होता है, कोई ना कोई कुछ तो ले लेगा, लेकिन जो है मुझे यहाँ पे क्लियरली बता के देना है कौन सा रॉड आप लोगों के लिए सही है, कौन सा सही नहीं है। बस इतना ही मेरा ये है, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही है, तो देखते हैं अगला वीडियो क्या होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।